हेलो एवरीवन, मैम डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज के इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 6 और 7 की जो OCR आधारित आधार रेखा मूल्यांकन भाग फर्स्ट है उसको आज हम हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सी संख्या 4874 से 2 सैकड़े बड़ी है? 2 सैकड़ा, सैकड़ा 2, यहाँ पे 2+ करेंगे अपन सैकड़ा की जगह, तो 4 का 4 आ जाएगा, 7 का 7, 2 और 8 10 का 0, हासिल 1, 4 और 1 5, तो यहाँ आएगी 574। तो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है 574, इसमें क्या है सबसे बड़ी है, 2 सैकड़ा बड़ी है। 2700 अंकों में लिखे, 2700, 2700, तो 2700, अब 2700 को, तो 2700 ये आ जाएगा इसका आंसर। 2007 को क्या है? 2007 को, तो 2007 है हमारा यहाँ पर, 2007। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा विकल्प 9740 को शब्दों में दर्शाता है? 9740, 9740 सेकंड नंबर ऑप्शन राइट है इसका। निम्न विस्तारित रूप की संख्या बनाइए, 8 3, 8 और 3, तो यहाँ पर भी है यहाँ पे भी है। उसके बाद में 2 है 2.5 पर, तो यहाँ पर 2 2.5 पर है, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। नेक्स्ट है 5, भागफल और शेषफल। 4 का भाग देना है, तो 4 एकम 4, बचेगा 1 4 दूनी 8, बचेगा 3 4 नम 36, तो 2 बच जाएगा, तो 129 क्या आंसर हो जाएगा? 129। नीचे दी गई संख्या, संख्या को तो 20 आ गए यहाँ पर, 20 × हम क्या लेंगे, 120 को 40 से गुणा कर दीजिए सबसे पहले, तो 4 का 0 बार चौक 48, बार चौक 48, अब 20 का करेंगे इसमें तो हमारे पास आएगा 240। इसका आंसर जो होगा क्या होगा? 240। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दी गई संख्या रेखा पर पी का मान हो सकता है? 1 2 और 2, सही 1/4, 2 सही 1/4 क्या होगा इसका आंसर? होगा 2 सही 1/4। 747 में 4 का भाग देने पर भागफल और शेषफल, तो 7 का 7 4 एकम 4, बचेगा कितना? 3 4 1 32, बबचेगा 2 4 6 24, तो बचेगा शेषफल कितना रह जाएगा? 3, तो 186 और शेषफल कितना है? 3, तो ये रहा 186 और शेषफल कितना है? 3। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न होगी, 2/6, 3/6, 6/6 और 4/6, तो सबसे बड़ी होगी 6/6। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न होगी, 3/5, 4/5, 1/5, तो 1/5 क्या होगी? सबसे छोटी भिन्न होगी। निम्न में से शून्य कोई कोने व शून्य किनारे वाली आकृति को पहचानिए, शून्य कोने व शून्य किनारे, कोने भी नहीं होने चाहिए और किनारे भी नहीं होनी चाहिए, तो ये इसकी आकृति है जिसमें कोने भी नहीं और कोने भी नहीं और किनारे भी नहीं है। 18 लोगों के एक परिवार में 9 लोग आम खाते हैं और 18 लोगों के परिवार में 9 लोग आम खाते हैं, तो कितने बचे? 18 में से 9 गए तो 9 ही बचेंगे, तो 9 लोग आएंगे इसमें, 9 लोग जो है आम नहीं खाते हैं। सोनू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनू 11 डिब्बों में 212 चूड़ियाँ रखना चाहता है, अगर वह हर डिब्बे में बराबर चूड़ियाँ रखता है तो कितनी चूड़ियाँ डिब्बों के बाहर बच जाएगी? तो 11 का भाग देंगे अपन, 11 एकम 11, सबसे पहला 11 एकम 11 आएगा, बचा कितना? 10, तो 11 9 99 और 102 में से 99 घटाएंगे तो 3 चूड़ियाँ, कितनी बचेगी? 3 चूड़ियाँ। रवि के पास 5000 रुपये थे, रवि ने बाजार से 1760 रुपये के कपड़े, 1260 रुपये का किराना का सामान और 1330 रुपये की पुस्तक खरीदी, रवि के पास अब कितना रुपये बचा? तो पहले तो इन तीनों को प्लस कर लीजिए, 1760 प्लस 1260 प्लस 1330, तो 0, 6 6 12 12 में 3 जोड़ दीजिए, 6 और 6 12 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 के 5, हासिल 1, 3 और 2 5, 5 और 7 कितना हो जाएगा? 12 और 1 3 और 2 5,
पांच में हम सात जोड़ेंगे, 12, 12 और एक 13 के 3 हासिल, एक एक और एक 2, 2 और एक 3, 3 और एक 4, 4,350। 5,000 से इसको माइनस कर लीजिए, 10 में से 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा 6, तो 650। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 650। नेक्स्ट है इसमें, सना के पास 1,000 रुपये है, वे दो किताबें खरीदती है, प्रत्येक किताब की कीमत 125 रुपये है, वह 450 रुपये अपने पिता के लिए कमीज खरीदने में खर्च करती है। अब सना के पास कितने रुपए हैं, तो 175 और 175 की तो उसने क्या खरीदी, दो किताबें, तो 250 हो गया, और प्लस 450 की पिता के लिए क्या खरीदी उसने, कमीज खरीदी, दोनों को प्लस कर दीजिए, 0, 5, 5, 10 का 0 हासिल, 1, 2 और 1, 3, 3 और 1, 4, 7। अब 1,000 में से 700 घटा दीजिए, कितना पैसा बचा उसके, बचे कितने हैं 300 रुपये, कितने बचे 300 रुपये।